नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीसी न्यूज़। मैं हूं आपके साथ सुमन रावत। बात हरियाणा की खबरों की तो अंबाला पहुंचे बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष जेपी नड्डा। आपको बता दें कि जेपी नड्डा अंबाला पहुंचकर शहीद मेजर अमित आहूजा के घर भी गए। बीजेपी के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा अंबाला पहुंचे। अंबाला पहुंचते ही जेपी नड्डा सबसे पहले शहीद मेजर अमित आहूजा के घर पहुंचे, जहां उन्होंने शहीद की मां के पैर छूकर उन्हें नमन करके आशीर्वाद दिया और फिर शहीद मेजर अमित आहूजा की फोटो पर पुष्प अर्पित करके उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस दौरान नड्डा ने कहा कि देश के लिए शहीद हुए शहीदों की शहादत कभी व्यर्थ नहीं जाएगी। जेपी नड्डा के साथ केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, राज्यसभा सांसद अनिल जैन, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बराला, हरियाणा के कैबिनेट मंत्री अनिल विज और अंबाला शहर विधायक असीम गोयल मौजूद रहे। का मौका मिला, उनके परिवार के सभी सदस्यों से, बहन जी से, भाभी जी से सबसे मिलने का मौका मिला। सच में अमित जी ने देश के लिए अपने आप को कुर्बान किया, उनकी शहादत कभी व्यर्थ नहीं जाएगी। और जिस तरीके से वो गुरेज सेक्टर में आतंकवादी और दुश्मनों के खिलाफ लड़ते हुए शहीद हुए और देश की रक्षा की, ऐसे उनकी शहादत हमेशा हमें याद रहेगी। अब बात टोहाना की, जहां अपना जन्म दिवस मनाने घर से निकला एक युवा देर शाम तक घर नहीं लौटा, जिसके बाद उसका शव एक नहर से बरामद किया गया। टोहाना में अपने जन्म दिवस की पार्टी दोस्तों संग करने गया किशोर, जब घर नहीं लौटा तो परिजनों में हड़कंप मच गया। बाद में उसका शव हिसार रोड स्थित सिंधमुख नहर से बरामद किया गया। जानकारी के अनुसार छात्र विशाल अपने साथियों के साथ जन्म दिवस की पार्टी के लिए घर से निकला था। जब वो देर रात तक घर नहीं पहुंचा तो उसके पिता बलराज ने बताया कि उसका जब वो देर रात तक घर नहीं पहुंचा तो परिजनों ने खोजबीन शुरू की। परिजनों ने विशाल के दोस्तों पर उसे मारकर नहर में फेंकने का आरोप लगाया। फिलहाल पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है, जिसके बाद उन्हें उनके बेटे का शव हिसार रोड स्थित सिंधमुख नहर से मिला। वहीं SHO संजय कुमार ने बताया कि परिजनों के बयान के आधार पर मामला दर्ज कर जाँच की जा रही है। वो घर से बुला के स्कूल से उसको लेके गए हैं। इससे पहले एक लड़के के और मैसेज आए थे अभय गोयल नाम के, कि उसने उसको बुलाया है। उसने मना भी किया कि हमारा बंदा आ रहा है, हमने काम वगैरह करना है, लेकिन क्या हम आ रहे हैं, लेके जाएंगे क्या पार्टी, तो वो उसके लेके चले गए इनके। उसके बाद हमें उसकी लाश मिली है। वो हमें गुमराह करते रहे, उन्होंने किसी ने नहीं बताया, उनको पता था ये हो चुका है। लेकिन हम जैसे हमने 2:30-3 बजे प्रयास किए अपनी तरफ से फ़ोन करके, फिर हम उन्होंने बताया कि यहाँ हेड पे गए थे। दोस्तों के साथ नहाने के लिए गया था, जो कल नहर में डूब गया था, जो हमने 365 IPC के अनुसार हमने अभियोग अंकित करके इसकी तलाश की थी, जो आज इस बच्चे की सिद्धमुख नदी से नाश प्राप्त हुई है। पोस्टमार्टम करा दिया है, अभी पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने के उपरांत हम आगामी कार्रवाई करेंगे और जो बच्चे इसके साथ गए थे उनको पूछताछ के बाद जैसी स्थिति सामने आएगी वैसी कर। तो वहीं टोहाना में नगर परिषद कर्मियों ने अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया। टोहाना में नगर परिषद कर्मियों ने अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया, जिसके बाद उन्होंने 3 दिन की हड़ताल का भी ऐलान कर दिया। आपको बता दें कि अपनी लंबित मांगों को लेकर नगर परिषद के 100 से अधिक कर्मियों ने 3 दिवस से हड़ताल शुरू कर दी है। कर्मियों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन को जारी रखा और कामकाज को ठप रखा। बता दें कि नगर परिषद के सफाई कर्मियों की हड़ताल के चलते अब आउटसोर्सिंग के 47 कर्मी सफाई का काम देख रहे हैं। इनका राज्य स्तरीय है, पूरे हरियाणा के अंदर ये 3 दिन की हड़ताल चलेगी और इसमें हमारी जो मुख्य मांगे हैं, पहले तो हमारा जो 24 मई 2018 को सरकार के साथ समझौता होता है उसे लागू किया जाए। उसमें हमारी मांगे थी कि कच्चे कर्मचारियों को पक्का किया जाए, समान काम समान वेतन लागू किया जाए और जो हमारे जो कर्मचारी हैं इनको 100-100 गज के प्लाट दिए जाए, पुरानी पेंशन नीति है जो उसको लागू किया जाए, ये हमारी कुछ मुख्य मांगे हैं। तो वहीं गुरुग्राम पहुंचे मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर अपनी सरकार की जमकर तारीफ करते नजर आए, साथ ही साथ विरोधियों पर भी ताबड़तोड़ कई हमले किए।
मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने गुरुग्राम में कहा कि पिछली सरकारों का उद्देश्य सत्ता को भोगना और अपने घर को भरना था, जबकि पिछले 5 सालों में हमने हरियाणा की राजनीति की परिभाषा बदलकर लोगों की सेवा की। मुख्यमंत्री ने पिछली सरकारों पर निशाना साधते हुए कहा कि साल 2014 में हमने सत्ता संभाली थी, जो पिछली सरकारों के मुख्यमंत्री और नेता हम पर तरह तरह के जुमले कसते थे, यहाँ तक कि कभी हमें अनाड़ी और अनुभवहीन बताते थे। आए दिन सरकार गिरने के झूठे सपने देखते थे, लेकिन हमने अपने तरीके से काम किया, जिसका परिणाम ये हुआ कि आज वही लोग हमें राजनीति का खिलाड़ी बता रहे हैं। लोगों को नौकरी मिलना, दर दर की जगह जगह कार्यालयों में लोग घूमते थे, तो एकल सेवा केंद्र, अटल सेवा केंद्र और इस तरह से मतलब जनता को, और खास तौर से मैं गुरुग्राम की बात करूं तो गुरुग्राम में तो इतना पैसा लगा दिया विकास का, तो बिना जातिवाद क्षेत्रवाद भेदभाव को समाप्त किया, समान विकास की धारा और समदर्शी सरकार चलाने का जो काम किया है, जो ईमानदारी के साथ साथ शासन दे के बेरोजगार युवाओं में एक विश्वास पैदा करने का काम किया, एक व्यवस्था परिवर्तन का काम किया है। अब बात करेंगे फरीदाबाद की, जहां नगर निगम कर्मियों की 3 दिवसीय हड़ताल देखने को मिल रही है। फरीदाबाद में नगर निगम में कार्यरत सफाई कर्मचारियों ने 3 दिन की हड़ताल शुरू कर दी। इस मौके पर सफाई कर्मचारी अपना टूल डाउन रखेंगे। आपको बता दें कि फरीदाबाद में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की जन आशीर्वाद यात्रा में मुख्यमंत्री पूरे फरीदाबाद से जनसंपर्क साधने की कोशिश कर रहे हैं, जिसको लेकर सफाई कर्मचारियों ने चेतावनी दी है। मुख्यमंत्री का फरीदाबाद में कूड़े के ढेर से स्वागत होगा। यहां उन्होंने कहा कि उनके 3 दिन की हड़ताल में पूरे शहर में चारों तरफ कूड़ा ही कूड़ा नजर आएगा। इस मौके पर नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा के राज्य के प्रधान ने बताया कि उनके बीते 24 मई को मुख्यमंत्री की एक मीटिंग में कुछ मांगों को लेकर फैसला हुआ था, लेकिन आज तक उन फैसलों पर अमल नहीं किया गया। मुख्यमंत्री जी कल हमारे फरीदाबाद पर अपनी वो जनसंवाद यात्रा पर आ रहे हैं और 27 से लेकर 29 तारीख तक तीनों दिन पूरी तरीके से हमारा चक्का जाम रहेगा। हरियाणा प्रदेश के जब मुख्यमंत्री फरीदाबाद पर जब आगमन होगा तो उनका स्वागत यहाँ पर गंदगी के ढेरों से यहाँ पर होगा, और फरीदाबाद का जिला प्रशासन भी मेरे से अनुरोध कर रहा है, नगर निगम कमिश्नर ने मेरे से अनुरोध किया। लेकिन ये हड़ताल हमारी इसलिए है कि जो 24 मई 2018 को जो लोकल वाडी मंत्री आदरणीय कविता जैन से उनके 3-3 मंत्रियों जो बातचीत हुई है, केवल हमारा समझौता लागू कराने की मांग। इसी के साथ फिलहाल हरियाणा की खबरों में इतना ही। देश और दुनिया के तमाम खबरों के लिए देखते रहिए एबी स्टार न्यूज़।